डाली 8 मोलर यूरिया, जिससे इसकी हाइड्रोफोबिक कोर खत्म हो गई, और फिर तुमने बीटा मर्केप्टो एथेनॉल डाले, ये सब बॉन्ड्स टूट गए, ये तुमने डीनेचुरेशन कर लिया, सब खत्म कर दिया, मतलब प्रोटीन को तुमने एकदम ऐसे 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 कर दिया। अब तुम इसी सॉल्यूशन से, जिस सॉल्यूशन में पड़ी हुई थी उसी सॉल्यूशन से बीटा मर्केप्टो एथेनॉल हटा लो पहले, और फिर यूरिया डायलिसिस से हटा लो, तुम्हें जो प्रोटीन मिलेगी वो इनएक्टिव ही मिलेगी, सही नहीं मिलेगी। अब तुमने क्या किया, उल्टा किया, बीटा मर्केप्टो एथेनॉल ऐड किया ताकि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बने हैं वो फिर से टूट जाए, और अब यूरिया पहले रिमूव किया और अब फिर बाद में बीटा मर्केप्टो एथेनॉल रिमूव किया, तुम्हें एक्टिव प्रोटीन मिलने लगी। इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब यह हुआ कि पहले हाइड्रोफोबिक कोर बनाना जरूरी है, क्योंकि यूरिया पहले रिमूव कर लेने का मतलब हाइड्रोफोबिक कोर बन जाएगी, बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, तो हाइड्रोफोबिक कोर पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दौरान ही बन जाती है। तो